एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? में भी आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में मतलब कि मेरे पास वीडियो थी तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना ही देते हैं। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। एंड आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए आते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, शायद मटर पनीर की बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मैंने जो टमाटर हरी मिर्च थी वो चॉप कर लिए थे, और जो मसाले होते हैं सूखे मसाले एंड अपने हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ मैंने डाल के भून ली थी ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। बेशक आप कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा होता है हमारे हमारे खाने के लिए, और खाना का टेस्ट भी 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको मतलब मस्टर्ड ऑयल एक बार नहीं खाते तो खाकर ज़रूर देखिएगा। एंड जिसके यहाँ मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बनती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर देखिए मेरे सारी जो सब्जी के जो मसाला था वो यहाँ पर अच्छी तरह से पक गया है। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने मुझे मिस किया भी या नहीं मिस किया, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो। सो यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर मेरा जो क्या बोलते कढ़ाई थी वो मेरी ऑलरेडी बन गई है। एंड सामान मेरा सॉरी मेरा जो कढ़ाई में मैंने मसाला रखा था वो ऑलरेडी बन गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध ऐड कर दिया है, और दूध ऐड करने से जो सब्ज़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, अच्छी भी लगती है और खाने में भी थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब वो करी थी, सब्ज़ी बनाई थी, और उसके बाद हमने चावल भी बनाए थे एक साइड। तो चावल बनाने के बाद मैंने कहा चावल और मटर पनीर की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाकी उसका अच्छा नहीं लगता इतना, मटर पनीर और चावल का अच्छा लगता है। और नान हो तो नान मैंने बस आज नान नहीं बनाए थे, पहले नान बनाए थे तो इसीलिए आज नान नहीं बनाए, टाइम नहीं मिला था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम भी हो जाता नान वगैरह बनाने में, और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी अपनी, तो इसीलिए फिर मैंने नान नहीं बनाए थे। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से दूध को पका लूँगी, चला चला कर दूध नहीं फटना चाहिए, और उसके जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर जब हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब दूध वगैरह बनाते हैं तो। सो यहाँ पर देखिए मैंने जो मेरे जो क्या बोलते हैं इसको मेरा जो दूध था वो अच्छी तरह से पक गया है। एंड इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी क्या बोलते हैं अपनी जो मैंने मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, क्योंकि जो अभी मटर आती है वो कोल्ड स्टोर की मटर होती है, आप लोगों को पता है उसमें इतना टेस्ट नहीं होता, जो कि मतलब फ्रेश मटर होती है उसमें जो होता है वो बहुत जल्दी गल भी जाती है। ये थोड़ी सी मतलब एक ऐसा लगता है थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लो तो ऐसा करना पड़ता है। एंड इसके बाद फाइनली मेरा जो मटर थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, बस अब मैं इसको चलाऊंगी। मैंने इसमें भी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करी है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर अभी तक वो ऐड नहीं करी है। जब वो ऐड करूँगी तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आने वाला होता है। तो फाइनली यहाँ पर मेरी जो सब्जी है वो बन के रेडी हो जाएगी, और बस अब मुझे चावल बनाने होंगे, रोटी बनानी होगी, बस यही काम मुझे करना होगा, बाकी सारा मेरा काम हो चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करते हुए जाइएगा आप लोगों को मटर पनीर ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर आपको शाही पनीर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कसूरी लाल मिर्च को ऐड कर दिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है उसमें क्या बोलते हैं इसमें मटर पनीर में। आप चाहे सभी सब्जियों में ऐड कर सकते हो, सभी का टेस्ट ये बढ़ा देती है, कसूरी मेथी इसीलिए। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी में बबल्स आ गए हैं, अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, और इसमें थोड़ा सा मैंने मटर पनीर का मसाला ऐड कर दिया है, इसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, उसके बाद मेरी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। आप लोग भी बताइएगा ना मुझे कमेंट करिए कैसी लगी आप लोगों को, और ये एकदम मतलब कलर आ गया तो काफ़ी देखने में अच्छी भी लग रही है, और बाकी इतनी अच्छी नहीं लगती। मैंने यहाँ पर पनीर डाल दिए हैं इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा खदकने दूँगी यानी बबल्स आने दूँगी, इससे क्या होगा कि
ये बबल्स वगैरह जो इसमें आ रहे हैं ना, सो जो पनीर है उसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े से फॉक से छेद भी कर दिए, थोड़े थोड़े से उसमें मसाला भर जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसमें जो पनीर है ऊपर से क्रश करके भी डाल दूँगी, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और बनने में और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। सो यहाँ पर देखिए मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए थे तो हम और दिया यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे इसीलिए। और तो बस यहाँ पर वही हम लोग शाम को चल दोपहर में चलता रहता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, दियू को पढ़ाना होता है पढ़ाते हैं। और यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है और दियू यहाँ पर डांस करने का उसका बहुत मन कर रहा था, रेडी होकर डांस करूँगी डांस करूँगी, तो यहाँ पर मैंने दिया को रेडी कर दिया है। दिया यहाँ पर डांस कर रही है, बहुत अच्छे डांस करती है, आप लोग इसकी रील्स वीडियो भी देख सकते हो, इसको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये मेरी एक दीदी है माधुरी दीदी, उन्होंने दिया को गिफ्ट करा था लहंगा, बहुत अच्छी है नेचर वाइज, मुझे भी बहुत प्यार करती हैं, एकदम बड़ी दीदी की तरह सारी सलाह देती हैं, होता है ना कि किसी किसी से रिलेशन बन जाता है, तो ये वही है, तो अच्छा लगता है। और अगर वो ये वीडियो देख रही हैं क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहती हैं तो इसीलिए, और वो ये वीडियो देखें तो बहुत अच्छा भी लगेगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए दीव डांस कर रही है और लहंगा पहन कर, दीव को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, उन्हीं ने लहंगा उनका क्या अमेज़ॉन पर पेज है, और उनका अमेज़ॉन पर पेज है तो उन जो मतलब मीनल क्रिएशन के नाम से पेज है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं एंड उसे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पिलो कवर, कुशन कवर, लहंगा, साड़ी बहुत अच्छी मिलेंगी राजस्थानी। तो दिया को पहले से डांस करना पसंद है, बट ये नहीं है कि दिया सिर्फ डांस ही डांस करती है, पहले पढ़ाई करती है, अपने टेस्ट का याद करती है, स्कूल का याद करती है, देन उसके बाद जाकर वो टाइम मिलता है तो डांस वगैरह करती है। और वैसे भी हमें सिर्फ पढ़ाई और खेल और हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए, इससे बच्चे का जो ब्रेन बूस्ट होता है। कई लोग मेरे से बोल रहे थे जब मैंने रील्स वीडियो दिया की डाली थी तो बोल रहे थे कि क्या दिया की रील्स वीडियो डालती है, तो एक बात बता दूं कि सब बच्चों को सब काम करने चाहिए। दिया को डांस में इंटरेस्ट है, वो डांस करती है, आप देखिए आप लोग टीवी में देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे अच्छे एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, तो जब वो करेंगे तभी तो, और बच्चे को किसी चीज़ में अगर लगन है तो अगर हम उसे रोकेंगे तो बच्चे की वो एक्टिविटीज़ दब जाती है। तो मैं तो दिया को सभी चीज़ कराती हूँ, सिर्फ यही नहीं है कि मतलब पढ़ाई 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 में ही करूँ, नहीं, सभी चीज़ करनी चाहिए, सभी चीज़ हमारे लिए ब्रेन बूस्टिंग का काम करती है। एंड अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो आप लोग भी अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका मत करिए। हाँ, कोई गलत काम कर रहा है बच्चे से जिससे बच्चे को खतरा है या फ्यूचर उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है तो रोक सकते हैं, वैसे फालतू की बच्चे को हर चीज़ में डांटना, हर चीज़ में अपने पेरेंट्स गिरी दिखाना, वो चीज़ सही नहीं है। सो यहाँ पर मैं दियू के जो मेरा वो खुल गया था इसका जो हाथ का क्या बोलते हैं इसको, तो मैं वही बांध रही थी और ये देखिए बंद गया है। अब दिया डांस कर रही थी, माथे पे बिंदी सजाई जा रहा कौन सा गाना था उसी पर, दियू को हरियाणवी गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, वैसे तो वो सभी गाने पे डांस कर लेती है बट उसको हरियाणवी गाने पे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप लोग भी बताइएगा, बिटिया की कमर बहुत अच्छी चलती है, बहुत सुंदर से लगता है मेरा बच्चा, माँ के लिए तो सभी माँ के लिए सभी बच्चे अच्छे लगते हैं और चाहे वो कोई भी हो, बट कुछ लोग जब गलत बोल देते हैं ना छोटे से बच्चे के लिए तो बुरा लगता है। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैं यहाँ पर कुछ सामान लेकर, नहीं नेक्स्ट डे की है शायद, नेक्स्ट डे की है, तो यहाँ पर मैं दीव के लिए कुछ सामान लेकर आई थी तो वही दीव को मैं लगा के देख रही थी। दीव के लिए मैं चूड़ी लेकर आई थी, ये देखिए इतनी प्यारी चूड़ी लग रही हैं, ये 50 रुपीज़ की चूड़ियाँ थी और ये मेटल की हैं, और ये क्रिस्टल का जो है शायद बिंदी का पत्ता लेकर आई थी, वो 10 रुपीज़ का आया था, ये शायद क्रिस्टल का ही है। तो उसके बाद ये ब्लैक कलर की बिंदियाँ अच्छी लगती हैं बच्चों पर, तो ये दिया आपको लगा के दिखा रही है, लग गई उसकी बिंदी, उसको बहुत शौक है डांस करने का और ये बिंदी लगाने का, चूड़ी वगैरह पहनने का, तो मैं भी उसको दिला देती हूँ कि बेटा मन मत मार, अगर किसी में होता है अपने लिए कुछ भी ना करूँ बट बेटू के लिए तो करना ही चाहिए। और यहाँ पर मेरे सिंदूर ख़त्म हो गया था तो मैं सिंदूर लेकर आई थी, ये दिया आपको लगा के दिखा रही थी, रेड कलर का है तो आपको ये दिखा रही थी, मैंने वीडियो की स्पीड फास्ट कर दी है तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो, बट स्लो करती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। एंड यहाँ पर सिंदूर लग गया है, इसके बाद मैं यहाँ पर दियो के लिए ईयरिंग्स लेकर आई थी जो कि चिपकने वाले ईयरिंग्स हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, आप देख सकते हो, ये 60 रुपीज़ के थे, अच्छे लग रहे थे, 60 रुपीज़ के थे, और भी थे 60 के, 70 के, 80 के,
तो मैंने कहा पहले पहना के देख लेती हूँ, उसके बाद जाकर मैं बाद में देखूंगी। और यहाँ पर मैं नेल पेंट लाई थी ब्लैक कलर की, जो आप लोग देख रहे हो मेरे नेल्स पे, मैंने लगा के देखी थी, अच्छी थी, सो मैंने यहाँ पर लगा ली। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी शॉपिंग मेरी छोटी सी, कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। गाइस गुड इवनिंग एंड कैसे हो आप सब। हाय गाइस, मैंने अभी आपको दिखाई देना मेरे काउंटर, दिखाऊं मैं आपको, तुम दिखाओ, देखिए लो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ मोती लग गया और यहाँ पर कुछ के लिए पैसे हैं आपको। और हाँ बस सो गाइस अभी चूड़ी में मेरी हमने आपको ये सेम टू सेम चूड़ी है। इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड दिखा दिया ना बाबू, बारह में दिखा। इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं गई थी मार्केट, मार्केट से मैं दीयू के लिए दो चिपकने वाले टॉप्स, क्योंकि उसके कान नहीं छिदे हैं, तो टॉप्स चूड़ी एंड ये नाली नेल पेंट और क्या लाए थे दीयू, सिंदूर और डोसा खाकर आए थे, है ना, और बिंदी और बिंदी और डोसा खाकर आए थे। तो ये सारा सब काम हम करके आए थे मार्केट में, बहुत दिन से नहीं खाया था तो, एंड सिंदूर भी लेकर आए थे ये रहा। एंड अभी मेरा क्लोविया से सामान आया है जिसमें मैंने अपने ब्रा पैंटीज और टमी ट्रैकर ये मैंने मंगाया था देखने के लिए कि वाकई में काम करता भी है या नहीं करता है, सो मैंने मंगाया हुआ है। देखो मैं टॉप से में कर रखो, तो बिंदी के उसमें रखो पैकेट में, क्या पर रख दिया वो पैकेट में रखो, तो मैंने मंगाया हुआ था तो वो मेरा आज मुझे रिसीव्ड हो गया है। तो ये मेरे मम्मी के पार्सल आया था तो मुझे वो भी लेने जाना था, तो मैं वहाँ पर गई थी। और उसके बाद अभी मैं करूँगी वीडियो शूट, जो कि मेरे स्पॉन्सर वीडियो है एक, तो मैं वो शूट करती हूँ, तो उसके बाद आपको। हेलो एवरीवन एंड वेलकम, आप हम्मा करो है। हेलो, आप लोग कहोगे मैं घर में मास्क क्यों लगाई हूँ, एक्चुअली मैं क्या है, मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, तो मैं सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बहुत दिन से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा है, अभी आ रही हूँ। एक सेकंड, ड्यू पड़ रही है यहाँ पर, दिखाती हूँ ये देखो, फायर की बोलो ना डायरेक्ट, ऐसे करते हो तो मुझे याद आ जाता है। अच्छा हाँ, तो ट्यूशन जाएगी दिया, तो दिया की है ना ट्यूशन क्लास स्टार्ट हो गई है, मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है इसकी ट्यूशन वाली मैम से, देन फाइनली उन्होंने ट्यूशन सिर्फ दिया पढ़ेगी और वो किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ा रही हैं, सिर्फ दिया पढ़ेगी, तो दिया को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाने के लिए, तो दिया याद कर, दिया उसी की तैयारी कर रही है, ये तो स्कूल का रिवाइज कर रही है जो मैम करा रही है। और आज दिया 4 से 5 बजे, हो सकता है 4 से 5 बजे ट्यूशन जाएगी। और चलो मैं भी फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हो, एंड मैं सब्जी लेने जा रही हूँ तो सब्जी ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलूँगी, ठीक है, तो बाय।